युगों पहले सागर निर्माता सगर का प्रयास विफल था। उसका पौत्र अंशुमान अपने 60,000 पितृव्यों को महर्षि कपिल की शापाग्नि से भस्म स्वरूप देखता रह गया। अंशुमान पुत्र दिलीप भी पराजित था उन त्रिषित आत्माओं को शांत कर पाने में। वो आत्माएं जो अभी भी व्याकुल करा रही थी, दिलीप पुत्र भागीरथ सूर्य वंश की विश्व विजयी महान ध्वजा तले पराजित अपमानित और असंतुष्ट सा भटक रहा था। कोई उपाय? हाँ, उपाय था। महर्षि ने पितामह को बताया था, उनके शाप की तीव्र ऊष्मा को सागर नहीं मिटा सकता। उन आत्माओं की पीड़ा, उनकी तृष्णा कोई अमृत कुंड नहीं बुझा सकता। इसका उपाय मात्र गंगा है। स्वर्ग से परे ब्रह्मा के कमंडल में तरंगित गंगा, वही गंगा जिसकी प्रत्येक बूंद 100 अमृत कुंडों की तृप्त शक्ति रखती है। भागीरथ, तुझे जाना होगा। सूर्यवंश का ओज चीत्कार रहा है। पूर्वजों की पीड़ा व्याकुलता मिटाकर वंश ऋण चुकाना होगा, अन्यथा मृत्यु भली। हिम शिखर कंपित था, आकाश क्षितिज पर नतमस्तक, योगी तपस्या में लीन, विराट पर्वत उसके सामने कण रूप प्रतीत हो रहा है। योगी का एक ही ध्यान, गंगा गंगा गंगा। काल चक्र घूमा, युग बदले, योगी मग्न, सृष्टा प्रसन्न। मांग मांग रे, संकल्पवान आत्मबलि, मांग मांग। गंगा पतित पावनी, मोक्षदायिनी, प्राण रसना गंगा। हे परमार्थी, गंगा तो दे दो, किंतु उसका गर्व वेग वो कौन संभालेगा? कहीं ऐसा न हो मैं अपनी सृष्टि को काल पूर्व ही प्रलय में समाहित कर दूं। कोई उपाय? असंभव सा, जीवन के लिए क्या संभव? मृत्यु की प्रसन्नता, वह तो सदा प्रसन्न है। तो मना लो मृत्युंजय को, यदि वो संभालें तो मैं गंगा को मुक्त करूं। समय गतिवान रहा, युग झरे युग फले, विराट नभ पर विराट जीव, विराट सृष्टि के विराट स्वामी से विराट मांग पर अडिग।
पर्वत स्पंदित हुआ, व्योम चौंका, लय प्रसन्न, निराकार साकार, शिव प्रकट। इच्छा, आपके पश्चात क्या शेष? गंगा, आपकी कृपा स्वीकार है। सृष्टा ने गंगा को स्वर्ग से मुक्त किया, चल पड़ी स्वरूप गर्विता, मदमाती झंकार करती, मरुत वेग से चल पड़ी। संसार अपलक रहा है निहार, सौंदर्य या संहार, धैर्य मूर्ति ने अनंत निशा के समान अपने केश समुद्र खोल दिए। आत्मगर्विता के पांव उलझ गए, गर्व बूंद बूंद बिखरा। शांत शांत शांत, केश पुनः जटाजूट में परिवर्तित, अर्धचंद्र पुनः पुलकित, किंतु पीड़ित आत्माओं का क्या होगा? वसुधा की असंतुष्टता? हे व्योमकेश, प्रसाद दें। अलकों के एक द्वार से शिवमय गंगा नृत्य रत चली, चली जीवन रसधार लिए, जग उद्धार लिए, महामुक्ति तक द्वार लिए, चली भागीरथ के महाप्रयास का महाप्रसाद बनी भागीरथ, युगों की तपस्या का फल, युगों तक के लिए अविरल, कल कल छल छल। विशाल हिमखंडों से बूंद बूंद बनी गंगा गोमुख से हिंद महासागर तक अपनी यात्रा प्रतिदिन प्रतिपल तय करती रहती है। भारत के मध्य से हृदय रेखा की भांति गंगा का बहाव भारत को श्वास श्वास नवजीवन देता है। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, साक्षी है। भारत की महान संस्कृति गंगा के उपकारों से भरी पड़ी है। इसके प्राचीनतम नगर यथा काशी, प्रयाग, हरिद्वार इत्यादि गंगा का आंचल पकड़े ही
पले बढ़े। विश्व के अग्रणी कृषि राष्ट्र के अनगिनत खेत गंगा जल से सिंचित और फलित होते रहे हैं, और गंगा बहती रही, चुपचाप बहती रही। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह परंपराओं मान्यताओं के आधार नदी गंगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पंडित, क्या चर्मकार, कर्म अलग, आचार अलग, विचार अलग, पर आस्था, आस्था एक, गंगा। कभी व्यास ने पूजा, कभी वाल्मीकि ने, कभी तुलसी ने, तो कभी गालिब की कलम आबे गंगा की रोशनाई से गजल तराशने लगी। गंगा बहती रही, चुपचाप बहती रही। विस्तार है अपार, प्रजा दोनुपार, करी हाहाकार, निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों? वक्त बदलता रहा, लेकिन शायद उससे भी तेज बदला है इंसानी दबाव। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? खुदगर्जी, लालच और बेमान इल्म की मौज में बहा एहसान फरामोश इंसान आज कुदरत का चप्पा चप्पा अपने पांवों से रौन रहा है। न जमीन की फिक्र, ना आसमान का खौफ, ये दरख्तों की लाश पर खड़ी हवेलियों से तामीर कंक्रीट के जंगल, ये दम घोटू धुआं उगलती चिमनियां, गाड़ियां, मशीनें, ये कारखानों से बहते नदियों को सड़ाते जहरीले नाले, और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, मसलन प्लास्टिक, पॉलिथिन, कूड़ा करकट, केमिकल, डिटर्जेंट, शैम्पू, साबुन वगैरह, साथ में तगाफल यानी उपेक्षा। फिर भी गंगा बह रही है, चुपचाप बह रही है। हमने तगाफल न करूंगे, लेकिन खाक हो कहते हैं कलयुग में जब पृथ्वी का विनाश नजदीक होगा तब गंगा पृथ्वी त्याग देगी। भौतिक विज्ञानी कहते हैं वायु प्रदूषण द्वारा वातावरण में ओजोन लेयर के फटने के प्रभाव से बढ़ती गर्मी के फलस्वरूप गंगा के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और लगभग 2023 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और गंगा धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। माँ, माँ, ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? क्या क्या इस दृश्य के लिए विष्णु भक्त ने तुम्हें जन्मा? ब्रह्मा ने कमंडल से और शिव ने अलकों से मुक्त किया। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारी आराधना की? नहीं, ये असहनीय है।
माता की यह पीड़ा असहनीय है। क्या तुम वही गंगा हो जो विश्व में प्रलय ला सकती थी? अरे तुम कोप क्यों नहीं करती? किंतु कैसे करोगी? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है, माता कुमाता नहीं होती। हे ईश्वर, तू ही कुछ कर। परंतु तू क्यों? ये गंगा पुत्र, ये मानो मेरे वंशज, ये क्यों नहीं? हाँ हाँ, मेरे वंश पुष्पों, कभी मैंने अपना ऋण चुकाने के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत तथा धरा को हरि सौंदर्य देने के लिए, गंगा को भूमि पर लाने के लिए तपस्या की थी। आज तुम्हारी बारी है, बचा लो, बचा लो भारत की हृदय रेखा को, बचा लो जीवन के महाकाव्य को, बचा लो मुक्ति के मार्ग को, बचा लो, बचा लो अपनी माँ को, अपने अमृत गंगा माँ को, ताकि कोई सौभाग्यवती गंगा के आधार पर अपने सौभाग्य का अमृत तुम्हारे पे झिझक न जाए, ताकि तुम्हारी अगली पीढ़ी भी इसका अमृत पान कर सके और तुम्हारा सम्मान कर सके। क्योंकि अब की बार यदि गंगा गई तो कदाचित पुनः कभी ना आए, पुनः कभी ना आए, कभी भी ना आए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, जीवन दायिनी गंगा आज स्वयं मृत्यु के कगार पर है, लेकिन ये मृत्यु नहीं बल्कि हत्या है, एक नृशंस हत्या, एक ममतामयी मां की, उसकी लालची और लापरवाह संतानों द्वारा की जाने वाली हत्या। इस हत्या की जिम्मेदार कोई सरकार, कोई नीति या कोई व्यवस्था पर नहीं, पूरी मानव जाति है। छोड़ो छोड़ो अब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताकना, छोड़ो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, कमियां ढूंढना, सिर्फ अपने और अपने कर्तव्य के बारे में सोचो। आखिर गंगा से तुम्हारा भी उतना ही नाता है जितना भगीरथ का था। हाड़ बांस का भगीरथ यदि अदृश्य गंगा को स्वर्ग से बुला सकता है, तो क्या तुम अदृश्य होती गंगा को धरती पर बचा भी नहीं सकते? सोचो सोचो, क्योंकि ये तुम्हें ही सोचना है। गंगा तो चुप थी, चुप है, चुपचाप ही बहती रहेगी, और शायद शायद एक दिन किसी बूढ़ी लाचार मां की तरह चुपचाप खो जाएगी, चुपचाप खो जाएगी। मां